हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेशर हेड। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की डिश जिसे अलवरी कहा जाता है। इसे हम गुजरात में पात्रा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अलवरी बनाना शुरू करते हैं। अलवरी या पात्रा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने करीबन 10 से 15 अरबी के पत्ते लिए हैं और तिल, करीबन 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच गरम मसाला, गुड़, नमक स्वाद अनुसार, बेसन करीबन 1 कटोरी और इमली का पानी। सबसे पहले हम बेसन में सारे मसाले ऐड कर लेंगे। फिर हम इसमें इमली का पानी डालेंगे। हमने इमली का पानी इसलिए डाला है क्योंकि अरबी के पत्ते में जो खुजली होती है इससे वो नहीं होती। थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक। अब पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, क्योंकि हमें पत्तों पर लगाना है। अब हम हमारे बैटर को पत्तों पर लगाना शुरू करते हैं। हमने अरबी का पत्ता इस तरह उल्टा रखा है, सीधे साइड से नहीं रखाना, और हम अभी इसको अच्छे से लगा लेंगे। पूरे पत्तों पर हम इसको अच्छे से लगा लेंगे। अगर आप चाहो तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हाथ से अच्छे से लगेगा। अभी दूसरा पत्ता हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। इस तरह से हमें करीबन 3 से 4 पत्ते लगाने हैं। हमने ऐसे इस तरह से पत्ते लगा लिए। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हमें दोनों साइड से इसको फोल्ड करना है। अब हम इसका रोल बनाना शुरू कर देंगे। बहुत ध्यान से करना है क्योंकि फिर वो अच्छे से नहीं बनेगा रोल। इस तरह हमने रोल बना लिया है। ऐसे ही हम दूसरा भी रोल बना लेंगे। अब हम एक प्लेट को तेल लगा के रखेंगे ताकि हम जो रोल इसमें रखेंगे तो वो चिपके ना। अब वो प्लेट हम स्टीमर में डाल लेंगे। स्टीमर हमें गरम करने को रखना है करीबन 5 मिनट तक। उसके बाद हम अपने दोनों बनाए हुए रोल इसमें डाल लेंगे और इसको 25 से 20 मिनट तक पकाएंगे। पच्चीस मिनट हो चुके हैं। अब हम हमारे रोल को निकाल लेते हैं। अब हम इसको ठंडा करने को रख देंगे। रोल अभी ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको सेम पीसेस में काट लेंगे, कुछ इस प्रकार से। हमने दोनों रोल को काट लिया। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, पर शैलो फ्राई किए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तेल भी कम लगेगा। अब हमको इसको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक साइड से ये अच्छे से हो चुका है तो मैं अभी इसको पलटा रही हूँ। दूसरे साइड से भी इसको ऐसे ही फ्राई करना है। हमने इसको दोनों साइड से अच्छे से पका लिया। अब हम इसको एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे और इसकी अच्छे से प्लेटिंग कर लेंगे।
हमारी आलू वड़ी या गुजराती पात्रा बनके तैयार है। हमने इसको टमाटर के केचप के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहो तो पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये रेसिपी थोड़ी सी ट्रिकी है, पर ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी बनती है। आप भी ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।